Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel। और आज मैं आई हूँ अपने कज़न के घर। काला की बेटी है और जिनका अपना सलोन है। आपको ना पार्टी लुक दे रही हूँ। पार्टी लुक दे रही हैं, ठीक है। तो ड्रेस जो है ना, मैं आपको भी दिखा देती हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा, तो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद, कैमरा कुमरा सेट करने के बाद, अब हो रहा मेरा मेकअप। और स्किन को प्राइम करेंगे, प्रेप करेंगे। स्किन को मेकओवर के लिए रेडी करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हमारी जो बेस वगैरह है वो जो स्किन में सही तरह बोले ना, शर्माने की बात नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है। तो या वो सारा बताती रही। पहले मैंने इनका फेस जो है वो मॉइस्चराइज कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इनके फेस पर लगाने लगी हूँ प्राइमर। अब हम इनकी स्किन में जो है वो ब्यूटी फाइवर आमना का प्राइमर मैं लगा रही हूँ। मैं अपना फेस जो है वो दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत ही हसीन हूँ। मजाक कर रही हूँ, हूरिया को पता है। अच्छा, इनके जो है वो सबसे पहले डार्क सर्कल्स वगैरह कवर करेंगे हम कंसीलर से, जो कि मैंने 38 यूज़ कर रही हूँ इनके फेस के हिसाब से, क्रेयॉन का, ठीक है। ठीक है, टीवी स्टिक का ये, और ये बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट है। मैं एले गर्ल का भी प्रो कंसीलर यूज़ किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए इनके लिए ये सही है। और वैसे भी हमें पार्टी मेकअप में जो है वो ये यूज़ करना पड़ता है। वैसे हूरिया माशाल्लाह है, खुद ही बहुत प्यारी है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे इस पर, है ना हूरिया। मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इनका जो है वो डैबिंग मोशन में मैं इनका जो कंसीलर है उसको डैब डैब करके, और अब जो है वो मैं बेस ले रही हूँ, म्यूसन की है और ये लाइट मीडियम कवर। आराम से तैयार हो रही हूँ, आप लोग भी जब तैयार हो ना तो बोले नहीं, बोले नहीं। हाँ, स्पेशली जब आपका फेस पे वो ना लगे कॉम्पैक्ट या लूज कॉर्नर वगैरह वगैरह, तब तक आपने भी जो है वो बोलना नहीं है। तो खामोश ऊपर देखो, थोड़ा मतलब तेल लगा दो। तुम एकदम ना उल्टी सीधी बातें आके ना बताने लग जाया करो, अभी झूठी है ये, इसकी बातों पे यकीन ना करना। बैठे जी। अब मैं इनको लूज पाउडर जो है वो लगा रही हूँ, ये है नॉट का, जे डॉट का, ठीक है। काशीस की यहाँ पे मैं जो हूँ वो किट यूज़ कर रही हूँ। हाँ, आई पैलेट जो है वो मैं काशी की यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त शेड्स हैं इसके, बट एक इन्होंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। उनको चाहिए कि इसकी शेप चेंज करें, बुक वाली शेप नहीं थी, बाकी अदरवाइज़ ये बेस्ट है। मैंने एक ब्राउन शेड उठाया उसमें से, ठीक है, पैलेट से, और ब्राउन पीची शेड है ये, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट एंड ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा। ये वॉल्यूम के साथ साथ आपकी जो आईलैशेज हैं इनको लॉन्ग भी दिखाता है और बहुत ही मतलब अच्छा सा लुक दे देता है आपकी आईज़ को। वीडियो में भी शायद आपको इतना ना पता चल रहा हो, लेकिन ये आप लाइव देखें तो आपको पता चले कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये रखना। अच्छा, मस्कारा जो है वो इनका डन हो चुका है। नीवी नीवी हो गया, मैं थल्ले दे लाइ के छोड़ना जी। मस्कारा जो है वो इनका डन हो चुका है। और आईलैशेस को मैंने मतलब 30-40 सेकंड्स पहले ही जो है वो ग्लू लगा ली थी। ये पकड़े, ये ड्राई हो चुकी है। और आईलैशेस ग्लू लगाने से पहले आप हमेशा आईलैशेस को इस तरह कर लिया करें, बस इनकी ज़रा शेड दे दिया। डार्क सर्कल्स अभी भी दिख रहे हैं, ना जाने आप मेकअप आर्टिस्ट इतनी कंजूसी से क्यों प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए कि दे डोंट स्टैंड आउट और बाकी के फेस के साथ मर्ज तो करें। क्लोज योर आईज। ओके, ओपन योर आईज। थैंक्स।
अच्छा अब जो है वो इनकी आईज पे लैशेस लग चुकी हैं, अप्लाई हो चुकी हैं। अब मैं इन बिल्कुल लाइट लाइट से लगाएंगे। अच्छा ब्लश ऑन और हाइलाइटर, उनको मैं कहती हूँ बल्ब, हाइलाइटर को मैं बल्ब यूज़ करती हूँ। मैं कहती हूँ चेहरे पे बल्ब लग गए हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। एक मुझे ऊपर देखना, एक मुझे जो है वो ब्लश ऑन और एक मुझे ये हाइलाइटर, मुझे बहुत पसंद है। अब आप थोड़ा क्लोज करके भी देखें। अच्छा आईज मेकअप जो है एक ये है, अब इसके ऊपर आप चाहें तो आप बंद करें, क्लोज योर आईज, ओके। आप हल्का सा ग्लिटरी इफेक्ट देना चाहते हैं तो लाइट लाइट सा आप ये ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा आई मेकअप जो है ब्राउन है तो लिपस्टिक हम ब्लैक लगाएंगे। लिपस्टिक भी हमारी न्यूड जाएगी, आप न्यूड पिंक कर सकते हैं या न्यूड ब्राउन कर सकते हैं। मैं आपको ओम्ब्रे जो है वो मुझे लिप्स बहुत पसंद है, मैं अपने भी पर्सनली ओम्ब्रे जो है वो शेड यूज़ करती हूँ लिपस्टिक का। करने लगी हूँ दिल टूट गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा अभी तो इन लोगों के ना कस्टमर आ गए हैं, ठीक है, तो जब तक मैं उनसे बात कर रही हूँ तब मैं आपको मेकअप लुक दिखा देती हूँ। हाँ मैं आपको रजिस्टर, तो चले गए, बुकिंग थी ब्राइडल की। ये सिल्क मैट फ्लोर मार का ये ग्लॉस है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। गोरियाँ बहुत लगाती होती हैं, हमारे यहाँ पे एशियन लोग ये कलर पसंद नहीं करते लेकिन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और मैं वलीमे की ब्राइड्स को लगाती हूँ, आजकल तो बारात की ब्राइड्स की भी ये डिमांड है। सेटिंग स्प्रे कर देती हूँ। अच्छा अब हम जो है वो इनका हेयर डू करने लगे हैं, हेयर डू के बाद अब फिर हम आपको इनकी फाइनल लुक दिखाएंगे, ओके। तब तक जी ये हुरिया की फाइनल लुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हुरिया कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे दिखी मुझे। अच्छा ये इसकी हेयर कटिंग भी मैंने की हुई है हुरिया की। से माशाल्लाह